वाराणसी में 32 देशों के 80 कृषि वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन पर करेंगे मंथन, 17 से 19 तक आयोजन। वाराणसी में G20 सम्मेलन की पहली बैठक में कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सहित कृषि उत्पादों के उत्पादन बढ़ाने को लेकर 32 देशों के 80 कृषि वैज्ञानिक मंथन करेंगे। इसमें भारत के भी करीब 80 कृषि वैज्ञानिक अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से उप महानिदेशक बागवानी डॉक्टर आनंद कुमार सिंह बनारस पहुंचे। डॉक्टर आनंद की अध्यक्षता में सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर और ताज होटल में होने वाले G20 के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक हुई। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर तुषार कांति बेहरा ने बताया कि 17 से 19 अप्रैल तक सम्मेलन की पहली बैठक कृषि पर आधारित होगी। हाल ही में बेमौसम बारिश ने जिस तरह से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में इसके बचाव की तकनीक के विकास को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बेहरा से बताया, G20 में वैसे तो 20 सदस्य देश ही शामिल होंगे, लेकिन कृषि शोध संस्थानों के कई केंद्र गैर सदस्य देशों में हैं। ऐसे में कृषि आधारित बैठकों में 32 देशों के 80 कृषि वैज्ञानिक इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 30 यूरोपोल करेंगे G20 के मेहमानों का स्वागत। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर नमोघाट तक 30 यूनिपोल खास अंदाज में G20 के मेहमानों का स्वागत करेंगे। G20 के तहत काशी में 6 बैठकें होंगी। इसमें विश्व के 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 17 से 19 अप्रैल तक 3 दिवसीय एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी वासुदेवन ने बताया कि बाहर से आने वाले मेहमानों के प्रस्तावित मार्गों को बेहतर किया जा रहा है। इसमें लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, शिवपुर मार्ग, चौकाघाट से पड़ाव, नमोघाट सहित अन्य जगहों पर 30 डबल साइड बैकलिट LED यूनिपोल लगाए जा रहे हैं। ये यूनिपोल मेहमानों का खास अंदाज में स्वागत करेंगे। वाराणसी को अपनी ब्रांडिंग का एक बेहतर अवसर मिला है। नई काशी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।